और इसका जो बिल्डअप एरिया है बिल्डिंग का वो है 2.8 हेक्टर, और ये जो पूरा कैंपस का जो एरिया है ना वो 500 हेक्टर, इतनी बड़ी है। आपका जो बिल्डिंग है ये आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे दर्ज है। बारिश हो रही है गाइस देहरादून सिटी में, और ये है आपका द फेमस घंटाघर ऑफ देहरादून सिटी। और हम मुड़ेंगे चक्रता रोड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ, और गाइस यहाँ से करीबन 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है आज का जो स्पॉट है, ये आपका चक्रता रोड। नमस्कार, हेलो जी, कैसे आप सब दोस्तों, दिस इज़ बाशु एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रेवल विद बाशु। गाइस ये है आपका लोकेशन जिसके बारे में मैं कह रहा था, ये घंटाघर से करीबन 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है, ये आपका चक्रता रोड है, और दिस इज़ योर FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून, आप बोर्ड में देख सकते हैं लिखा हुआ है, और ये आपका शताब्दी गेट है, शताब्दी द्वार लिखा हुआ है। आपको आने के टाइम में एक पहले आपको एक गेट मिलेगा, उसमें एंट्री नहीं होती, आपका एंट्री यहाँ से होती है। सो अभी हम जाएंगे अंदर, उससे पहले आपको टिकट लेनी होती है, और आप अपने व्हीकल के साथ अंदर जा सकते हैं। यहाँ से जो मेन बिल्डिंग है वो करीबन 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, काफ़ी अंदर है, पर हेड 10 रुपये, और गाड़ी का पार्किंग 20 रुपीज़ है सर। अच्छा, पार्किंग भी इधर ही ले लेते हो आप, और आप जो बता रहे हो कैमरा कौन सा कैमरे, टू व्हीलर है, नहीं नहीं फ़ोन है बस, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे भैया बता रहे हैं टिकट काउंटर में कि अगर आप 2 व्हीलर पे आते हो तो आपको 20 रुपीज़ देना पड़ेगा, और अगर आप 4 व्हीलर पे आते हो तो आपको 30 रुपीज़ देना पड़ेगा, और पर पर्सन आपका 10 रुपीज़ चार्ज करते हैं। अगर आपके साथ आपका DSLR भी है तो उसके लिए 50 रुपीज़, अगर उससे एडवांस लेवल का कोई कैमरा हो, मूवी बनाने वाला जो कैमरा होते हैं बड़ी बड़ी, तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो मैंने टिकट ले ली है, नॉट इवन 2 किलोमीटर्स, ये तो लग रहा है 3 किलोमीटर है। गार्ड साहब बोल रहे हैं कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर आपको सीधा जाना है, फिर राइट मुड़ जाना है, फिर 1.5 किलोमीटर, और ये आपका बहुत ही बड़ा कैंपस है, ये आपके हॉस्टल्स हैं। IGNFA का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, जहां IFS की ट्रेनिंग होती है। IFS मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आपका ब्रिटिश एरा में बना था ये, तो इसके बारे में बताऊंगा, पहले मैं पार्किंग कर लेता हूं। सो गाइस, करीबन 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था गेट से मेन बिल्डिंग तक, और मैंने अपना जो 2 व्हीलर है यहाँ लगा दिया, ये आपका पार्किंग साइड है, आप कहीं भी लगा सकते हैं, बहुत बड़ा एरिया है, कार हो, ट्रक हो, कुछ भी आ जाती है अंदर, ठीक है। तो उसके लिए बस पे करना पड़ता है आपका जो पर पर्सन 10 रुपी, और आपका जो व्हीकल है उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, और आप सीधा इधर आके अपना पार्किंग कर लीजिएगा। एंड चलते हैं, आपको मैं फ्रंट साइड में जाके आपको दिखाता हूँ बिल्डिंग, और आपको बताता हूँ इसके बारे में। सो गाइस, दिस इज़ द फ्रंट साइड ऑफ दिस बिल्डिंग FRI, बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, बहुत ही ह्यूज है, और इसका जो बिल्डअप एरिया है बिल्डिंग का वो है 2.8 हेक्टर, और ये जो पूरा कैंपस का जो एरिया है ना वो 500 हेक्टर, इतनी बड़ी है, बहुत ज़्यादा। और घंटाघर से आपका जो ये लोकेशन है ये करीबन 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और एंट्रेंस है यहाँ करीबन 2.5 किलोमीटर, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1906, और ये करीबन मोर देन 100 ईयर्स पुरानी बिल्डिंग है। और इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो ब्रिटिश एरा का ये बिल्डिंग है, और इसमें जो आपको आर्किटेक्चर जो स्टाइल दिखेगा वो है आपको ग्रेको रोमन स्टाइल दिखेगा, जो कि बहुत ही यूनिक है। एंड दिस बिल्डिंग इज लिस्टेड इन द गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, आपके गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये बिल्डिंग है बिकॉज ऑफ इस ब्रिक वर्क। ये पूरा बिल्डिंग आप पूरा देख सकते हैं, क्लोजली आपको मैं दिखाऊंगा, ये पूरा जो बिल्डिंग है ईंट से बनी हुई है, आप देख रहे हैं ना, टोटली आपका ब्रिक्स है, और बीच में जो इन्होंने जो यूज़ किया है वो सीमेंट नहीं है, दिस इज़ योर उड़द दाल और चूना,
और उसके साथ में भी चीनी या गुड़ का जो चाशनी होता है ना उसका मिक्स करके इन्होंने ये ब्रिक्स को जोड़ा है। ठीक है, इसमें सीमेंट का कोई यूज़ नहीं है और टोटली ये आपका ब्रिक्स का बना हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे पूरा बिल्डिंग आपका ये ब्रिक्स से बना हुआ है पूरा। यहाँ FRI में काफ़ी कोर्सेस अवेलेबल है, ऑफ़र करते हैं काफ़ी कोर्सेस, MSc आपकी PG डिप्लोमा कोर्स और आपका PhD कोर्स। तो मैं आपको ऑफिशियल साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट इनटू दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और हर साल इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, फरवरी में इसका एप्लीकेशन आती है और इसका जो एग्ज़ाम होता है मई में होता है और आपके जुलाई में आपका काउंसलिंग होता है और आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो इस साल है, जो इस साल का जो सेशन है 12 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ आपके 6 म्यूज़ियम्स अलग अलग डिपार्टमेंट के, लाइक टिम्बर म्यूज़ियम्स है, आपके पैथोलॉजी म्यूज़ियम्स है, आपके एंटोमोलॉजी म्यूज़ियम्स है और आपके नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट म्यूज़ियम्स है, सिल्वीकल्चर म्यूज़ियम से, ऐसे 6 आपके म्यूज़ियम से। और जिसका जो टाइमिंग है वो है आई थिंक सुबह 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। तो आप कभी भी आके देख सकते हैं, उसका अलग सा टिकट होता है। इट वॉज़ फाउंडेड बाई डॉक्टर ब्रैंडिस आई थिंक इन 1864 के टाइम में ये था, बट इसका नाम जो था वो था ब्रिटिश इम्पेरियल फॉरेस्ट स्कूल। उसके बाद 1906 में ये बन गया आपका इम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और आफ्टर इंडिपेंडेंट अब ये है बस FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून। मैंने आपको देखा ये FRI होस्ट करता है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी, जहाँ आपका IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का जो ट्रेनिंग होता है यहाँ। एक आपका म्यूज़ियम ये है सिल्वीकल्चर म्यूज़ियम, आपको एक दिखा देता हूँ सिल्वीकल्चर। ये देखिए ये आपका सिल्वीकल्चर का म्यूज़ियम, बहुत ही प्यारी म्यूज़ियम है और लिखा हुआ है सीड्स के बारे में, रूट्स के बारे में और टूल्स के बारे में, फेलिंग इम्प्लांट्स, पेड़ काटने के टाइम में, साफ़ सफाई करने के टाइम में जो टूल्स यूज़ कर देते हैं, तो ये आपके टूल्स हैं। तो ये रॉक्स के बारे में, अलग अलग टाइप्स के रॉक्स हैं, ठीक है, ग्रेनाइट, लाइम स्टोन्स एंड ऑल, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस अगर आप आते हो ना। सिल्वीकल्चर सिस्टम, इको सिस्टम सर्विसेज, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड ये आपका मेन बिल्डिंग का सेंटर पॉइंट है और सामने आप देख सकते हैं बड़ा सा एरिया है। और ये जो बॉक्सेस हैं ना, दिस आर ऑल लाइट्स, जो देख रहे हैं ना ये आपका लाइट है और जब शाम होती है तो ये लाइट ऑन हो जाता है और पूरा आपके बिल्डिंग पे पड़ता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और इवन आपके बिल्डिंग के चारों तरफ आपका ऐसा बॉक्सेस है, ये आपके गार्डन में भी है और आपके बिल्डिंग के चारों तरफ भी है। थर्ड म्यूज़ियम दो टिम्बर म्यूज़ियम आपके इस साइड है, लिखा हुआ है विजिटर्स दिस वे, तो विजिटर्स के लिए आपका लिखा रहेगा, बोर्ड रखा है दिस इज़ योर टिम्बर म्यूज़ियम। तो इस साइड आप जाके, और ये आपका टिम्बर म्यूज़ियम, तो दिस इज़ योर टिम्बर म्यूज़ियम, इसके अंदर आपके टिम्बर के बारे में, वुड के बारे में सब कुछ। तो गाइस लुक एट दिस ब्यूटीफुल यूनिक ट्री, बाकी जगहों पे भी मैंने ऐसा ट्री देखा और बहुत यूनिक लगा मुझे, तो मैं पास आके पढ़ने का कोशिश कर रहा था, कोई नाम वाम लिखा है बट साइंटिफिक नेम है और मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगा, बट बहुत ही यूनिक पेड़ है। आप देख सकते हैं इसके लीव्स देखिए, बहुत ही यूनिक है। मैं यहाँ पर हूँ 6 महीने से। ये भाई UP से हैं और ये मरम्मत का काम कर रहे हैं, रिनोवेट कर रहे हैं बिल्डिंग का। हमारा टेंडर लिया हुआ है WIC बिल्डिंग का। वाओ लुक एट दिस ट्री मैन, माय गॉश, ये भी बहुत ही डिफरेंट ट्री है और जैसे उस ट्री का नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाया, इसका भी ऑब्वियसली नहीं कर पाऊंगा, बट आई डोंट नो दिस इज फ्रूट और क्या है, पता नहीं, ऊपर से गिरी है, बहुत ही प्यारा पेड़ है। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि मैं अफ्रीका में आ गया हूँ, अफ्रीका के जंगलों में उस तरह का पेड़ देखने को मिलता है एंड दैट माइट बी फ्रूट। दूर से थोड़ा पाइनएप्पल टाइप लगता है बट आई डोंट नो।
FRI got its popularity after the movie The Student of the Year 1, जिसमें वरुण धवन और आलिया भट्ट थे. उसके बाद स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, और इससे पहले भी काफ़ी मूवीज़ का जो शूटिंग इस कैंपस के अंदर हुआ है, जैसे रहना है तेरे दिल में, कृष्णा कॉटेज और बहुत सारे मूवीज़ हैं. इवन आपके कमर्शियल एड्स हैं जैसे बॉनविटा के, और वेब सीरीज़ हैं, काफ़ी ऐसे साउथ की मूवीज़ हैं और पंजाबी इंडस्ट्रीज़ के एल्बम सॉन्ग्स. सो गाइस, कैसा लगा आपको ये FRI बिल्डिंग? काफ़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और इट्स टाइम टू लीव, और क्योंकि टाइम हो गया. अगर कोई आपका क्वेरीज है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड और एक बार देख लीजिए बिल्डिंग, बहुत ही प्यारा है. मन तो कर रहा है कि खड़ा ही रहूँ और देखते रहूँ. काफ़ी डिपार्टमेंट हैं आपके, लाइब्रेरीज हैं, प्रिंटिंग प्रेस है, कैंटीन्स हैं, म्यूजियम्स हैं. लेट्स रैप अप फॉर टुडे, मिलते हैं कहीं और. सो बाय बाय कर दीजिए FRI को. तो बारिश फिर से चालू होगी. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.